ये आप देख सकते हैं लो बीम। अभी इसका हाई बीम करके दिखाता हूं आपको। सो ये हाई बीम है। सो ये है फाइनल लाइट आउटपुट जो बाई एलईडी में प्रोजेक्टर लाइट फोगलेट में लगाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इवो कस्टम कार। मैं हूं रूपेश और आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हमारे पास गाड़ी आया है टाटा हैरियर। ये गाड़ी में हम प्रोजेक्टर लाइट का काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड, हम हेडलाइट में प्रोजेक्टर लाइट नहीं कर रहे हैं, फॉग लाइट में प्रोजेक्टर लाइट का काम कर रहे हैं। सो कंपनी फिटेड इसमें क्या आता है हैरियर में और नया से हम फॉग लाइट प्रोजेक्टर क्या लगा रहे हैं वो आपको एक बार दिखा देता हूं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं टाटा हैरियर, इसका बम्पर वगैरह हम लूज किए हैं ताकि इसमें फॉग लाइट में प्रोजेक्टर लाइट अपग्रेड कर सके। ये साइड का बम्पर का क्लिप ओपन करके आप देख सकते हैं क्लॉथ डाला हूं ताकि इधर स्क्रैचेस वगैरह ना हो। और इधर से डीआरएल को ओपन कर दिया हूं, सामने का ग्रिल ओपन हुआ है। देन ये बम्पर लूज करके उसके बाद हम ओरिजिनल फॉग लाइट निकाले हैं। ओरिजिनल फॉग लाइट कैसे आता है वो आपको दिखा देता हूं। सो ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल फॉग लाइट, ये हेलोजन आता है और ये बल्ब आता है ओसरम का H16 बल्ब का साइज है। तो ये कंपनी फिटेड फिटिंग आता है। तो इसको हम रिमूव कर लिए हैं, इस जगह पे ही हम प्रोजेक्टर लाइट लगाएंगे। सो नया से हम प्रोजेक्टर लाइट क्या लगा रहे हैं वो आपको एक बार दिखा देता हूं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं फॉग लाइट प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर आता है बाई एलईडी। ये एलईडी वाला प्रोजेक्टर है, जेनॉन वाला प्रोजेक्टर नहीं है। तो इसमें जो लो बीम और हाई बीम काम करेगा एलईडी काम करेगा। ये आप इसका देख सकते हैं छोटा सा एक ड्राइवर है जो कि एलईडी को पावर ऑन करता है और ये इसका वायर वगैरह है। सो जो हम कंपनी फिटेड ये फॉग लाइट निकाले हैं, ये आप देख सकते हैं इसका क्लैंप, इसी क्लैंप में ये स्ट्रेट फिट हो जाएगा। और दूसरा फ्रेंड, गाड़ी में कॉर्नरिंग लाइट का ऑप्शन आता है वो आपको एक बार बता देता हूँ। सो ये हैरियर गाड़ी है, इसमें तो फॉग लाइट ऑन करने के लिए अंदर से स्विच आता है। स्विच में आपको दिखाता हूँ एक बार। सो इधर आप देख सकते हैं फॉग लाइट ऑन करने के लिए इधर स्विच आता है ऑन ऑफ करने के लिए। और दूसरा, इसमें स्टेयरिंग के साथ कॉर्नरिंग लाइट काम करता है। तो जैसे ही आप स्टेयरिंग समझ लीजिए लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट प्रोजेक्टर मतलब ओरिजिनल फॉग लाइट ऑन हो जाता है और राइट करने से राइट फॉग लाइट ऑन हो जाता है। देन इसमें हम जो प्रोजेक्टर लगा रहे हैं बाई एलईडी, इसमें जो कॉर्नरिंग लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है वो भी परफेक्ट काम करेगा। तो इसका फिटिंग वगैरह मैं करता हूँ। फिटिंग करने के बाद इसमें ऑप्शन कैसे काम कर रहा है कॉर्नरिंग लाइट वगैरह का वो आपको दिखा दूंगा। और इसका लाइट आउटपुट कैसे आएगा जो हम बाई एलईडी प्रोजेक्टर लाइट लगा रहे हैं उसका भी फाइनल लाइट आउटपुट आपको एक बार चेकआउट करा दूंगा। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं क्लैंपिंग करके मैं प्रोजेक्टर को तो फिटिंग किया हूँ, इसका रोटेशन अलाइनमेंट बचा है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर का लेंस आपको रिफ्लेक्शन में दिख रहा होगा। इसमें हम कनेक्शन जो किए हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये तो अपना हाई बीम का वायर है, इसका कनेक्शन करना बाकी है। लो बीम का मैं दिखाता हूं, इधर आप देख सकते हैं तो पिन डाल करके इसको हम कनेक्शन को लिए हैं। कुछ वायर वगैरह जो है उसको हम टैम्परिंग वगैरह नहीं किए हैं, तो क्लिप डाल करके इसका कनेक्शन हम लिए हैं ऑपोजिट। आई थिंक प्रॉपर से नहीं दिख रहा होगा। इधर का भी आप देख सकते हैं फिटिंग हो गया है। इधर हाई बीम का वायर है, ये आप देख सकते हैं हेडलाइट में। इसमें तो ऑलरेडी एचआईडी लाइट कंपनी फिटेड आया हुआ है, बट ये जो हैलोजन वाला हाई बीम है इधर हम एलईडी लगा रहे हैं। ये H7 का साइज आता है और इसमें हम एलईडी लगा रहे हैं ब्लो पंक का H7 6000 के। सो इसका फिटिंग अभी बाकी है, इसको हम फिटिंग वगैरह करते हैं और इसका भी लाइट आउटपुट कैसे आएगा वो भी आपको एक बार दिखा दूंगा। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कंप्लीट फिटिंग हो चुका है लाइट का, लाइट भी ऑन हो चुका है।
ये केरला से गाड़ी आया हुआ है हमारे पास काम कराने के लिए। इसका लो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं फोग लाइट में प्रोजेक्टर लगाया, ये आप देख सकते हैं लो बीम। अभी इसका हाई बीम करके दिखाता हूं आपको। सो ये हाई बीम है। सो लो एंड हाई दोनों ही परफेक्ट काम कर रहा है। अभी इसका फाइनल लाइट आउटपुट आपको गाड़ी रोड में ड्राइव करके चेकआउट करा देता हूं। सो फ्रेंड, ये है फाइनल लाइट आउटपुट, जो बाई एलईडी हम फोग लाइट प्रोजेक्टर लाइट अपग्रेड किए। ये सिर्फ अभी लो भी मॉन है, इसका हाई भी मॉन करते हैं। सो ये है हाई बीम। सो हाई बीम जैसे ही ऑन करेंगे, हेडलाइट में हाई बीम के जगह पे जो हम ग्लो पंक का एलईडी लगाए हैं वो भी ऑन हो जाएगा, और जो बाई एलईडी हम फोग लाइट प्रोजेक्टर लाइट लगाए हैं उसका भी हाई बीम ऑन हो जाएगा। सो लो एंड हाई दोनों ही परफेक्ट काम कर रहा है, और ब्राइटनेस वगैरह बहुत ही अच्छा आया हुआ है, क्योंकि फोग लाइट में भी एलईडी हम लोग एलईडी वाला प्रोजेक्टर लगाए हैं और हाई बीम में एलईडी सिर्फ लगाए हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसमें कॉर्नरिंग लाइट कैसे काम करेगा वो दिखा देता हूँ। अभी हेडलाइट का लो भी ऑन है, और जो बाई एलईडी हम प्रोजेक्टर लाइट फोग लाइट में लगा है उसका भी ऑन है। तो इधर से ऑफ कर देते हैं, फोग लाइट ऑफ हो गया। अभी स्टेयरिंग टर्न करके दिखाते हैं आपको कॉर्नरिंग लाइट कैसे काम कर रहा है। सो अभी आप देख सकते हैं, लेफ्ट स्टेयरिंग को घुमाए तो लेफ्ट साइड का प्रोजेक्टर लाइट ऑन हो गया, और राइट घुमाएंगे स्टेयरिंग को तो राइट साइड का प्रोजेक्टर लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये जो बाई एलईडी वाला हम प्रोजेक्टर लाइट लगाए हैं इसके साथ कॉर्नरिंग लाइट भी परफेक्ट वर्किंग हो रहा है। यही चीज़ अगर हम बाई जनरल प्रोजेक्टर लगाते हैं तो कॉर्नरिंग लाइट ऑन ऑफ नहीं होता है स्टेयरिंग घुमाने से। सो ये एलईडी वाला प्रोजेक्टर ही इसमें परफेक्ट सूटेबल हुआ है। देन इसका अपग्रेड में बाई एलईडी फोग लाइट में फिटिंग किया प्रोजेक्टर, इसका फिटिंग आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा आप। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम जो भी गाड़ी का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले।